शहर सरकार बनाने के लिए रीवा नगर निगम सहित जिले के नगरीय निकाय में आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्रों में सुबह से ही भारी भीड़ देखी जा रही है। शहर भर के मतदान केंद्रों से बंपर वोटिंग की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम में महापौर पद के 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं 45 वार्डों से 217 उम्मीदवार पार्षद पद के लिए चुनावी समर में उतर चुके हैं। वहीं 9 नगर परिषदों में 15-15 वार्ड है और ऐसे में कुल 180 वार्डों में पार्षद पद के लिए 838 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इधर रीवा नगर निगम के लिए सभी प्रत्याशियों ने मतदान केंद्र पहुंचकर सपरिवार अपने वोट डाले। भाजपा से महापौर के उम्मीदवार प्रमोद व्यास, कांग्रेस से महापौर के उम्मीदवार अजय मिश्रा बाबा सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी अपने मत का प्रयोग किया। बता दें कि ईवीएम के माध्यम से वोट शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे। इसके पहले आज सुबह वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल कर सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को ईवीएम की जांच कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि मतदान के लिए सुरक्षा की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी को अधिक से अधिक मतदान करने की भी अपील की गई है और यही कारण है कि सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। बहुत अच्छा वातावरण है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। लोग अपने घरों से निकल के और मतदान केंद्रों में जा रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं और खुशी की बात है कि सभी पार्टी के लोग शांति के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा दृश्य है। एक वोट की क्या कीमत होती है? एक वोट किसी भी क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है, इसलिए एक एक वोट का महत्व है और जनप्रतिनिधि को चुनना सभी का दायित्व है, क्योंकि आने वाले बच्चों के भविष्य को बनाने का मामला है ये चुनाव। हमारा एक सही वोट विकास की गंगा बहा सकता है, जैसे रीवा में देखने को मिल रहा है, और एक गलत वोट बाण सागर जैसी योजनाओं को ठप कर सकता है, तो इसलिए वोट का बहुत महत्व है। बीजेपी की यहाँ कैसी स्थिति देख रहे हैं आप? बीजेपी का एक तरफा है यहाँ पर हमेशा, अब तो बीजेपी का गढ़ बन गया है रीवा, क्योंकि हमने सिर्फ वोट नहीं लिया है, जनता के वोटों की कीमत की है, उनके वोटों का सम्मान किया है और एक एक काम चुन चुन के वो सारे किए हैं जिसके लंबे समय से रीवा वासियों को जरूरत थी। आज देखिए बाईपास बन गया, रिंग रोड बन गई, जीवन सुरक्षित हो गया है और 24 घंटे बिजली, 4 लेन की शानदार सड़कें, फ्लाईओवर से लेके और इतना अच्छा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ये सारे जो अपेक्षाएं थी जनता की उसको पूरा किया गया है, इसलिए जनता खुश है। जीत के बाद आगे किस तरह काम किए जाएंगे? रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर शहर बनाने के लिए जो जरूरी काम है वो सारे होंगे। आज आपने मतदान किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा मतदान रहा और इस बार जनता अपने सेवक के लिए मतदान कर रही, बाबा महामृत्युंजय भगवान से मैं मनाता हूँ कि पूरे शहर में शांति रहे और लोग बाग खुशी से मतदान करें, उनका आशीर्वाद पूरे शहर में रहे। इस बार रीवा की जनता ने एक अपने सेवक के लिए मतदान किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस बार जो मतदान हो रहा है वो शहर सरकार के लिए हो रहा है और शहर सरकार का जो काम है, रोड, नाली और सड़कें, पार्क, एजुकेशन सेंटर, बेरोजगारी से जो मतलब छोटे ठेला व्यापारी हैं उनका रोजगार, बड़े व्यापारी हैं उनकी व्यवस्थाएं, उसके लिए मतदान हो रहा है। सारे लोगों ने खुल के मतदान किया और बहुत उत्साह है लोगों के अंदर कि हमको इस बार शहर की सरकार चेंज करनी है। क्या लगता है, कांग्रेस सरकार आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस जीतेगी और भारी बहुमत से हम और हमारे साथी 45 वार्ड के पार्षद जीतेंगे। काम करने को लेकर आपका क्या संकल्प है? कहेगा काम करने को लेकर जीतने के बाद? मैं तो जनता का सेवक हूँ, अब तो जनता की दरबार लगेगी, वार्डों में ही कार्य होंगे, वार्ड के बाहर कोई विकास नहीं होगा। जो हमारे लोग आकर हमसे बोलेंगे, हमने इसीलिए मेयर हेल्पलाइन बना दिया है, हम वार्डों में पंचायत बनाएंगे और पंचायत के माध्यम से उस वार्ड का निराकरण वहीं पर करेंगे। मतदान की कैसी व्यवस्था है?
जैसा आप देख रहे हैं कि हर मतदान केंद्र पर काफ़ी अच्छी लाइन लगी हुई है, लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह है। पिछले 3 दिनों से हम लोगों ने मतदाता जागरूकता की एक्टिविटी को एक बार फिर से सभी मतदान केंद्रों पर किया था। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं और उसके परिणाम भी सामने दिख रहे हैं कि परिवार के साथ लोग सेल्फी पॉइंट पर उपस्थित होकर उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। जिले के सभी ULB में जहाँ आज मतदान हो रहा है, सभी जगह मतदान का प्रतिशत पहले 2 घंटे में 25% के आसपास हो चुका है। नगर निगम रीवा में 16% मतदान हुआ है पहले 2 घंटे में, और जिस तरह की भीड़ लग रही है और जिस तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा वोटर टर्नआउट रहेगा। सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था दी गई है और सभी जगह मतदान दलों के ठहरने की और EVM के जो इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए थे। कहीं भी मॉक पोल के दौरान या वोटिंग के दौरान EVM का कोई इशू नहीं आया, सभी जगह सुचारू रूप से अच्छे से मतदान हो रहा है। 232 केंद्रों में संवेदनशील अतिसंवेदनशील ऐसे क्षेत्रों को क्या व्यवस्था की? हम लोगों ने सभी मतदान केंद्रों को की संवेदनशीलता को लगातार असेस किया है और उसे परिवर्तित भी किया है। जहां पर जिस तरह की आवश्यकता महसूस हुई हम लोग आखिरी समय तक उसको परिवर्तित करते रहे हैं। जो हमारे चिन्हित मतदान केंद्रों पर है, जहाँ पर ज़्यादा टर्नआउट की संभावना है या जहाँ पर उम्मीदवारों के कारण किसी टसल की संभावना है, यहाँ जहाँ छिटपुट कोई इस तरह के इश्यूज हमारे प्रकाश में आए हैं, वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था पर्याप्त की गई है। हमने जो मोबाइल यूनिट्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया है और ऐसे यूनिट बनाकर, और हमारी व्यवस्था इस तरीके से है कि 5 मिनट के भीतर हमारी कम से कम 5 मोबाइलें एक साथ पहुंच जाएगी। हमारी और SP साहब के साथ जो टीम है वो भी लगातार भ्रमण कर रही है। तो आप सभी को बड़े ही बिना किसी इवेंट के, बिना किसी इशू को एक अच्छा मतदान देखने को मिलेगा।